नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। जबलपुर में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक में चिटफंड कंपनियों का जाल फैला हुआ है। इन चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर जिले के करीब 3 लाख निवेशक अपनी 700 करोड़ की पूंजी गंवा बैठे हैं। इन निवेशकों को राशि वापस दिलाने के लिए शहर में लगातार जन आंदोलन किए जा रहे हैं। इन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सौरभ शर्मा। हाल ही में सौरभ शर्मा के द्वारा निवेशक हितकारी महासंघ का भी गठन किया गया है, जिनके बैनर तले लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा से ही किस प्रकार का यह आंदोलन है और इसका मकसद क्या है। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सौरभ जी, जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों का कारोबार और जाल फैला हुआ है जिले में, क्या आंकते हैं, क्या फैक्ट फाइंडिंग आपके सामने आई है अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो देखने में ये आया कि जिस तरीके से सहारा कंपनी ने अपने जाल इस पूरे देश में फैलाए, बड़े लोभन के साथ उनने निवेशकों को आकर्षित करा, साथ में उन नौजवान बेरोजगारों को जो कि रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे उनको अभिकर्ता के तौर पर नियुक्त करा। कुछ समय तो ये कंपनी ठीक चलती रही, कई लोगों को उसमें उनके पैसे का भुगतान भी हुआ, लेकिन आगे चल के जिस तरीके से इस कंपनी का जाल पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पे फैला, इनकी भूख भी बढ़ती गई। आपने देखा है सहारा इंडिया, फिर उस सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर सारियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर सहारा रियल इस्टेट, फिर जब जाके ये भुगतान में विलम्ब शुरू हुआ तो उनने एक और नई कंपनी शुरू करी है, हमारा इंडिया। ये तमाम चीज़ें सहारा इंडिया ने सिर्फ एक पैरा बैंकिंग के नाम से इस कंपनी को शुरू करने का काम किया था 1978 में, लेकिन जैसे जैसे उनकी भूख उनकी तृष्णा बढ़ती गई, सहारा रियल इस्टेट, सहारा हॉस्पिटल, सहारा होटल, ये तमाम तरीके की चीज़ें आम जनता के पैसों से उनने करनी शुरू करी। लेकिन वह निवेशक जिसने बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ इस कंपनी में निवेश करा था कि जब भी कभी उसको आकस्मिक आवश्यकता पड़े तो वे अपने पैसे का भुगतान ले सकते हैं, वह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके तमाम पैसे जो सहारा के मुख्य लोग हैं, प्रबंधक हैं, जो उनके मेन मालिक हैं सुब्रत राय, उनके पास है। जिस तरीके से सेबी का मामला बीच में आया कि सेबी ने 24,000 करोड़ रुपए सहारा से जमा कराए हैं, तो निसंदेह अगर सेबी ने वो 24,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं तो कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन को भी चाहिए और इस देश की प्रदेश की सरकारों को भी चाहिए कि वो पैसा रिलीज करके उन आम निवेशक तक पहुँचे। लेकिन इस तमाम मामले को इस तरीके से मकर जाल के तौर पे बुन दिया गया है कि निवेशक अपने पैसे मांग मांग के थक जाए और जितना पैसा है उसकी बंदरबांट हो जाए, चाहे सरकारों के माध्यम से सुब्रत राय को मिल जाए, चाहे सुब्रत राय अपना ऑफर सरकारों को दे दे, ये पूरा मामला अभी तक सामने है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है कि सरकार के सामने ये पूरा मामला है, चाहे राज्यों की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, अनेकों मामले हल करने वाली जो सरकार इस देश में दावा करती है, आज दिन तक उस पर उनके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया जो निवेशकों के हित में हो। न केवल सहारा, साथ में हम आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने हाल ही में एक चिटफंड कंपनियों को भी हमारे सहारा निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ में उनके संगठनों को हम लोगों ने विलय करा है और एक बड़ा महासंघ बनाया है जिसमें सहारा सहित जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उनके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा, जिसके चलते हम लोग आने वाली 7 तारीख को संभागीय स्तर का एक बड़ा जेल भरो आंदोलन भी कर रहे हैं। हाल ही में आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जानना चाहेंगे कि लगातार आप इस मामले में विरोध कर रहे हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं, अभी और कितनी कंपनियों का खुलासा हुआ है और कितनी कंपनियां जबलपुर या आसपास के जिलों में अपने पैर फैलाए हुए हैं? देखिए, जबलपुर संभाग में लगभग 150 से 200 कंपनियां ऐसी हैं जो कि विगत कई सालों से यहां पर निवेशकों के पैसे को लूट रही है, जिसमें से लगभग 70-80% कंपनियां तो ऐसी हैं जो अपनी ऑफिस भी बंद करके भाग चुकी हैं। कई ऐसी कंपनियां जिनके डायरेक्टर्स पर FIR हो गई है, कई ऐसी कंपनियां जिनके डायरेक्टर जेल पे हैं या फिर जमानत पे बाहर हैं, संजीवनी कंपनी, वसुंधरा कंपनी, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिनने इस तरीके का जाल पूरे जबलपुर संभाग में फैलाया है। और सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी क्षेत्र का जो गरीब आदमी है वह निवेशक इसमें फंसा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन को विस्तृत रूप देते हुए संभागीय स्तर पर जन जागरण कर रहे हैं, जाके बैठ के कर रहे हैं और उन निवेशकों को साथ में लेके एक बड़ा जेल भरो आंदोलन जबलपुर जो कि संभाग का मुख्यालय होता है वहाँ करते हैं। बड़ी तादाद में निवेशक आपके पास आते होंगे आपके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए, अपना दर्द बताते होंगे, क्या उनका क्या कहना है, किस प्रकार से ये कंपनियाँ जो है उनको ठगती है, उनका क्या लूटने का या ठगने का तरीका क्या होता है? देखिए, जहाँ तक सहारा की बात है तो सहारा के कहीं हद तक उनके ऑफिसेस खुले मिल जाते हैं,
कहीं उनके अधिकारियों से बात हो जाती है, लेकिन उसके पृथक जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके ना ऑफिस बचे, ना उनके अधिकारी बचे, और उनके जो पते भी थे वो भी बदल गए। ये तमाम मुश्किलें तो सामने आती हैं, लेकिन इन सब मुश्किलों के आगे हम आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं उन जवाबदारों से, प्रशासन में बैठे अधिकारियों से, सरकार में बैठे उन जनप्रतिनिधियों के, उन जनप्रतिनिधियों से जो कि बड़ी अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर इन मसलों को सुलझाना चाहे तो सुलझा सकती है। सरकार से बढ़ के इस देश में कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार को चाहिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस मामले को निपटाए। अगर सेबी में पैसा फंसा हुआ है तो क्या इस देश की सरकार उसमें इंटरवीन करके क्या उस पैसे को निवेशकों तक नहीं पहुंचा सकती? क्या कोई लिक्विडेटर नियुक्त नहीं हो सकता? आज सहारा की पूरे देश विदेश में कई हजार एकड़ जमीनें हैं, कई होटलें हैं, कई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो आम जनता के पैसों से ली गई है और जो कि सार्वजनिक है कि सुब्रत राय के पास क्या था और इतनी संपत्ति जो बनी है ये कैसे बनी? तो साफ तौर पर ये निवेशकों का पैसा है, और जब कोई कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालिक अगर फ्रॉड करते हैं तो सरकारें इसीलिए रहती हैं कि आम जनता के अधिकारों को वह सुनिश्चित करें, उनके अधिकारों के लिए काम करने का काम करें। मेरा ये मामला है, जैसे जबलपुर के निवेशकों की बात है, हम लोगों ने एक प्रस्ताव जब पूर्व में कलेक्टर महोदय करमवीर शर्मा जी थे उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि जबलपुर 13 में लगभग 125 तेवर में लगभग 125 एकड़ जमीन है जो कि सहारा के नाम से है और जो निवेशकों के पैसे से ली गई है, उसमें एक लिक्विडेटर बैठाए, निविदा निकाले, उस जमीन को बेचे और एक जिला स्तरीय कमेटी बना के सार्वजनिक तौर पर जितने भी निवेशक हैं उनको उसका भुगतान उसके माध्यम से किया जाए। अब इसमें सहारा की तरफ से एक नकूना बताया जाता है कि माननीय न्यायालय ने इसमें रोक लगाई है। ना माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है, ना सेबी ने रोक लगाई है, पूरा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरीके का मकर जाल बुना गया है उसके चलते इन चीजों में विलंब आ रहा है। और सहारा ने उस जमीन के एवज में कम से कम 3 जन से सौदा भी कर चुका है, उसके एडवांस भी ले चुके हैं। ये तमाम चीजों को इतना गोल मोल करके उलझा के रखा गया है कि निवेशक थक जाए और एक समय आए कि वो अपने निवेश के जो निवेश किए हुए पैसे हैं उसको लेने से भी वो हाथ जोड़ दे। ये तमाम चीजें इस समय चल रही है। सौरभ जी, कई कंपनियां, कई चिटफंड कंपनियां जबलपुर और आसपास सक्रिय रही और लगातार अभी भी सक्रिय है। अगर देखा जाए तो आंकड़ों की बात करें तो क्या आंकड़ा है इन कंपनियों का, और निवेशक जो है अपना अपनी राशि गंवा बैठे हैं उन निवेशकों का कोई आंकड़ा आपके पास हो? देखिए, सहारा का अगर आप बात करें तो जबलपुर जिले में लगभग 700 करोड़ रुपए है। जो चिटफंड कंपनियां लगभग 150 से 200 चिटफंड कंपनियां जो कि विगत आप 2 दशक से अभी तक देखें तो जबलपुर संभाग में कार्यरत रही, किसी कंपनी में निवेशकों का 8 करोड़ है, किसी में 5 करोड़ है, किसी में 20 करोड़ है, ऐसा करके वो छोटी छोटी कंपनियां थी और छोटे समय के लिए आई थी। और उनके जो आंकड़े हैं वो मैं समझता हूं कि अगर औसतन आप देखें तो कम से कम एक एक चिटफंड कंपनी ने कम से कम 5 से 7 करोड़ का घोटाला यहाँ आम निवेशकों के साथ किया। हाल ही में एक संजीवनी नाम की चिटफंड कंपनी का भी आपने खुलासा किया, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसके कितने लुटे पिटे निवेशक हैं? देखिए, चिटफंड कंपनी का जो कार्य क्षेत्र रहता था वो अमूमन कोई भी जिले का जो ग्रामीण अंचल होता है जहाँ सीधे साधे भोले भाले आदमी रहते हैं वहाँ का रहता है। सबसे ज़्यादा डिंडोरी में, सबसे ज़्यादा आपका घनसौर में, मंडला में, ऐसे आइसोलेटेड एरिए जहाँ पर कि जो आदमी होता है वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी कम होता है, ये कंपनियाँ वहाँ जाके काम करती थी और वहाँ के लोगों को प्रलोभन देती थी कि आप 100 रुपये प्रतिदिन जमा करें तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद 125 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। ऐसी तमाम तरीके की उनकी योजनाएँ रहती थी और साल डेढ़ साल दो साल काम करती थी, उनके अधिकारी वहाँ जाते थे बढ़िया सूट टाई लगा के, तो वहाँ का जो गरीब आदमी रहता है, हमारा देहात में रहने वाला आदमी, उससे आकर्षित भी हो जाता था और उसको वहाँ पर इतने अवसर नहीं मिलते थे कि वे अपनी पूंजी को बढ़ा सके या रोजगार का कोई काम कर सके। उसके बाद वे इस गांव बस्ती में जाते थे, कोई ऐसा आदमी देखते थे जो थोड़ा बहुत समझदार है और रोजगार के लिए भटक रहा है, उसको अभिकर्ता के तौर पे वहाँ पर नियुक्त करते थे, उसका कमीशन वहाँ पर तय करते थे और वह व्यक्ति उसमें काम पे लग जाता था और इस बात से अनभिज्ञ रहता था कि इस कंपनी के द्वारा उसके माध्यम से क्या कराया जा रहा है। जब ये कंपनियाँ भागी, वो निवेशकों का पैसा डूबा, वो जो अभिकर्ता साथी था जो कि बड़ी ही ईमानदारी से अपने काम को करता था वो उस गाँव में ही रहेगा, सब निवेशकों का गुस्सा उस पर टूटता है। वह निवेशक जो कि अपनी दूसरा भी कोई रोजी रोजगार अगर करे इस घोटाला होने के बाद, अपने जेब से पैसा भरता है, उसके बाद आंदोलन में भी शामिल होता है, ये तमाम चीज़ें करने के लिए वो प्रयासरत रहता है कि निवेशकों का पैसा लौटे। तो साफ तौर पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें वेंकटेश जी, आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिसमें ये भावनाएँ हम बता सकें और प्रशासन तक और जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुँच सके जो कि इस मामले को हल करा सकते हैं।
दूसरी तरफ माननीय सांसद महोदय से भी हम लोगों ने कई बार मिलने का प्रयास करा, कई बार उनसे मांग करी कि आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, जबलपुर लोकसभा के आप सांसद हैं, इस मुद्दे को अगर जबलपुर के 3 लाख निवेशकों की मांग को अगर आप लोकसभा में उठाते हैं तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हम लोगों को बल प्रदान मिलेगा। माननीय सांसद जी का भी रुख इसमें बड़ा ही नकारात्मक रहा। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आज तक इस पर उनने कुछ नहीं करा। वहीं हमारा लगा हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर मैं समझता हूँ तकरीबन 70% पैसा जो है सारा कंपनी ने निवेशकों का लौटा दिया है, क्योंकि वहाँ की सरकार का दबाव उस कंपनी के ऊपर था और आए दिन वहाँ पर सारा के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शासन और प्रशासन की उदासीनता सामने निकल के आ रही है उसका ये खामियाजा इस प्रदेश की जनता भुगत रही है, जो ठगा सा महसूस। आपने भाजपा के जनप्रतिनिधियों का जिक्र किया, सांसद जी का जिक्र किया, क्या लगता है क्यों उपेक्षात्मक रवैया है उनका निवेशकों के प्रति और इसके लुटे पिटे जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने की तरफ वो क्यों उपेक्षा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? देखिए ये बात समझ के परे है कि जहाँ एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कलेक्टरों को बोलते हैं कि गाड़ दूंगा, कर्मचारियों को बोलते हैं कि पीट दूंगा, लटका दूंगा, जब ये इतना आम जनता के काम के लिए इतना मुखर होके बोलते हैं तो मैं समझता हूँ उन अधिकारियों को आप गाड़ना लटकाना छोड़िए, आपको चाहिए सहारा के जो प्रमुख हैं उनको गाड़िए, उनको लटकाइए, आपको चाहिए 150-200 कंपनियाँ जो यहाँ लूट मचा के गई हैं उनको गाड़िए, उनको लटकाइए, तब समझ में आएगा कि आपकी जनता के प्रति आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है और उनके अधिकारों के लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं इसमें सकारात्मक पहल नहीं कर रहे हैं, साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख रहता है जहाँ कहीं भी ऐसे आर्थिक अपराध होते हैं, जहाँ पर अर्थ इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी रुख रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सुब्रतो राय को अगर दबाव बनाया भी होगा, चिटफंड कंपनियों पर दबाव बनाया भी होगा, तो निसंदेह मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनने अपना हिस्सा लेके इस दबाव को कम करने का काम किया होगा जो कि सार्वजनिक तौर पे दिख रहा है। आज जबलपुर में लगभग साल भर से ये आंदोलन चल रहा है, एक भी जनप्रतिनिधि ने एक भी बयान इस पे नहीं दिया है और एक ऐसा मुद्दा जिस पे जबलपुर की 3 लाख लोगों की आबादी का जो मुद्दा है उस पे इनका चुप रहना साफ तौर पे उनकी बेईमानी को उजागर करता है। तौर पर मुद्दा काफी गंभीर है और पिछले एक साल से आप आंदोलन भी चला रहे हैं, इसके लिए बाकायदा निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ का भी गठन किया है। पिछले एक साल में अगर सौरभ जी देखें तो आपकी लड़ाई कुछ अंजाम तक पहुंची, कुछ लोगों को राहत मिली क्या इस पूरे लड़ाई के बाद? देखिए जब करमवीर शर्मा जी यहाँ पर कलेक्टर थे, इस पूरे मामले के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें पुलिस प्रशासन के तौर पे एडिशनल एसपी महोदय गोपाल खांडेल जी को नियुक्त करा था, हेमंत सिंह जी को प्रशासनिक तौर पे नियुक्त किया था, उनका प्रशासनिक दबाव और साथ में हम लोगों का आंदोलन के दबाव के चलते दिवाली के आसपास काफ़ी अच्छा पैसा, अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी ठीक है, इस तरीके का पैसा आया था कि जो छोटा निवेशक है उसका निवेश लौट सके। हम लोगों ने इसमें एक पैरामीटर बनाया था कि जबकि अभी सारा कंपनी इतना पैसा नहीं दे सकती है तो जो छोटा निवेशक है जिसका निवेश 10-15 हज़ार से लेकर 25-30 हज़ार तक का हो उसको हम लोगों ने प्राथमिकता में लिया था और उसको पैसे लौटाने का काम किया था। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे निवेशक जो हमारे अभिकर्ता हैं उनकी हम लोगों ने बैठक करी, उनसे हम लोगों ने बात करी कि आपके पास भले ही बड़े छोटे मिला के सब जितने भी निवेशक हो उसमें आप नीचे से छांटने का काम करें और जिसके सबसे कम अमाउंट है उनको दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित वह निवेशक है जिसने रोज 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जमा करें। जिन निवेशकों के ज़्यादा निसंदेह उनका पैसा भी लौटना चाहिए, लेकिन जिनके जो निवेश है जिनके जो अमाउंट है जो कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख है वो उस समय लौटना मुश्किल था, तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये प्रयास करा था कि जो छोटे निवेशक हैं उनका पैसा लौटने का काम करें काम हो। मगर विगत 2 माह से सहारा की तरफ से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके पूर्व में जब हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी थोड़ा बहुत पैसा उनका आता था। सौरभ जी जानना चाहेंगे कि इस आपने जिक्र किया कि आगामी 7 तारीख को जेल भरो आंदोलन और काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन की आपकी योजना है, क्या स्वरूप रहेगा, कौन कौन से संगठन इसमें हिस्सेदारी करेंगे और किस प्रकार की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जाएगी? देखिए 7 तारीख को जबलपुर संभाग के सहारा इंडिया सहित जितनी भी चिटफंड कंपनी में ठगी का शिकार हुए निवेशक अभिकर्ता हैं उनके साथ हम लोग जेल भरने जा रहे हैं। इसमें जबलपुर शहर, जबलपुर ग्रामीण, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट,
कटनी, ये तमाम एरियों के जितने भी निवेशक हैं, जितने भी अभिकर्ता हैं, ये भरी तादाद में जबलपुर पहुंचेंगे। समय स्थान हम लोग शीघ्र ही आपके सामने सार्वजनिक करेंगे, अभी समय और स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन तिथि हम लोग की तय हो गई है। तमाम ऐसे इलाकों पर जहां पर बहुतायत में ये निवेशक हैं, वहां पर जाके हम लोग बैठक कर रहे हैं, उनको आंदोलन की जानकारी दे रहे हैं और बड़े ही उत्साहित तौर पर वहाँ पर निवेशक इस आंदोलन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। 24 तारीख को हम लोगों की मंडला में इस बात को लेके बैठक है, वहाँ पर हमारे मंडला ज़िले के विधायक आदरणीय नारायण पट्टा जी, हमारे निवास के विधायक माननीय अशोक मस्कुले जी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और ये तमाम वहाँ के निवेशक और अभिकर्ता उनके नेतृत्व में जबलपुर आएंगे और जबलपुर में ये तमाम जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, इन निवेशकों का अभिकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए जेल भरने का काम। निश्चित तौर पर निवेशकों के हक में एक अच्छी लड़ाई आपके द्वारा लड़ी जा रही है। सौरभ जी, जानना चाहेंगे, एक सवाल, एक आरोप ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कांग्रेस के नेता पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर सकती है। हमने सार्वजनिक हर प्लेटफॉर्म पे, हर मीडिया हाउस में इस बात को रखा है कि ये जो लड़ाई है सहारा और चिटफंड कंपनियों की, ये निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से, उसके बैनर से लड़ी जा रही है, जिसमें हमने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करा और जितनी भी दीगर पार्टियाँ हैं उनको आमंत्रित करा, जितने भी समाजसेवी संगठन हैं उनको आमंत्रित करा, लेकिन देखने में यह आया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम राजनीतिक दल इस आंदोलन में आए, तमाम वो सक्रिय समाजसेवी संगठन इसमें शामिल हुए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे पर एक बयान तक नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस इसके लिए पॉलिटिकल माइलेज उठा रही है, तो मैं तो चाहता हूँ इस पॉलिटिकल माइलेज को आप ख़त्म कर दीजिए जनता के हित में, निवेशकों के हित में, और आप मुखर होकर सामने आए, अपनी सरकार पर दबाव बनाए, अपनी सरकार दबाव बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो किसी को भी गाड़ सकते हैं, लटका सकते हैं, तो अगर सहारा कंपनी के वो जो मालिक है उनको गाड़ने लटकाने नहीं, आप तो उनका कान बस मरोड़ दें तो जबलपुर के निवेशकों का पैसा लुट वापस हो जाएगा और कांग्रेस का जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो सपना है वह भी आप तोड़ सकते हैं। तो साफ तौर पे मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस का ये जो पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो तरीका है, जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, आप इसको समाप्त कर दें और निवेशकों का जो पैसा है उसको लौटवाने में आप काम करें। सौरभ जी, जाते जाते आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीद है कि ये इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा, ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी और निवेशकों को उनकी रकम वापस मिल जाएगी? देखिए, लड़ाई तो अंजाम तक पहुंचेगी, समय चाहे जितना लग जाए, और हमने देखा भी है कि हमारी जो पड़ोसी राज्य में सरकार है किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही, निवेशकों के पैसे लौटा रही है। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक तमाम इन चिटफंड कंपनियों का, तमाम सहारा के निवेशकों का, अंतिम व्यक्ति, अंतिम निवेशक तक का पैसा नहीं लौट जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिर चाहे इसमें हमको सत्ताधारी दल के नेताओं का साथ लेना पड़े, फिर चाहे विपक्षी नेताओं का साथ लेना पड़े, इसमें तमाम ऐसे लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, निवेशकों के हक की लड़ाई को आप मजबूत करने का काम करें, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम निवेशक का पैसा नहीं लौट जाता। सौरभ जी, तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से चिटफंड कंपनियों के खिलाफ उनके द्वारा आंदोलन छेड़ा गया है और निवेशकों को उनकी वापस रकम वापस दिलाने के लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव।